सो हाई एवरी वन, नेक्स्ट 2023 का जितने बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ जितने बच्चे नेक्स्ट 2023 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इसका एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अप्रैल पड़ा है और 17 दिन मई के भी पड़े हैं, 17 तारीख तक आप फॉर्म फिलआउट कर सकते हैं, तो जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि अगर आपका गड़बड़ हो गया तो आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, फिर आप लोग पूछते फिरते हो ये कैसे होगा वो होगा, मतलब पूछना सही है लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। तो आज की इस वीडियो में नाइसर के बारे में बात करेंगे। बच्चों का कमेंट्स आए थे भैया नेस्ट के थ्रू दो कॉलेजेस मिलते हैं, एक नाइसर भुवनेश्वर एंड CVS मुंबई, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए हमें कि कुछ आइडिया मिल जाए और किस तरीके से हम इस कॉलेजेस में हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड में बातें करने वाला हूँ। जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ऐसी जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता पूरी हेल्प यहाँ पे की जाएगी। तो बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल नाइसर के बारे में, यानी नाइसर नेक्स्ट एग्जामिनेशन नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इससे आपको दो कॉलेज मिलते हैं, एक नाइसर भुवनेश्वर एंड CVS मुंबई। नाइसर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, अगर ऐसे IITs NIT एंड IIIT टेक के फील्ड में टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं, इसी तरह से नाइसर आपका रिसर्च के फील्ड में टॉप कॉलेज होता है पूरा। तो यदि आपको प्योर साइंस में इंटरेस्ट है जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी अर्थ साइंस एंड इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इन कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है पूरा स्क्रीन पे, आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिजिकल साइंसेज यानी फिज़िक्स आपका, मैथमेटिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन सब्जेक्ट्स में आप मेजर भी कर सकते हो। यहाँ पे पूरा क्या करिकुलम होता है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा पूरा कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे नाइसर भुवनेश्वर एंड CVS मुंबई में क्या स्ट्रक्चर होता है पूरा, कैसे आपको पर 5 ईयर के BSMS में अगर एडमिशन लेते हो आप, यहाँ पे बेसिकली 5 ईयर BSMS में एडमिशन मिलता है, तो क्या कोर्स स्ट्रक्चर होता है कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे पूरा मैं वीडियो बना दूंगा। तो कल वीडियो आ रही होगी तो प्लीज़ मेक श्योर, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो। तो फिर ये सारे हो गए, और माइनर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप इन सब्जेक्ट्स में माइनर भी कर सकते हो, जैसे आपको मान लीजिए मैथ्स में मेजर करना तो आपने मैथ्स में मेजर कर लिया, अगर आप चाहते हो माइनर करना तो आप फिज़िक्स में माइनर भी कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर अलाउ होता है यहाँ पर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिसर्च कर सकते हो। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे इस कॉलेज में सिर्फ 200 सीट्स अवेलेबल होती हैं, 200 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो करके 230 240 तक या फिर मैक्सिमम 250 तक जाती हैं, तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई नाइसर के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं CVS मुंबई की। CVS मुंबई आपका यानी ये आपको मुंबई में ही ऑब्वियस आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर भी सेम कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो सेम सब कुछ होता है, और यहाँ पे एक डिसएडवांटेज, यहाँ पे सीट्स बहुत कम रहती हैं, अप्रॉक्स 60 सीट्स मान के चलिए आपके पास हैं, 60 to 65 सीट्स हैं, 57 लिखा है, एक्सटेंड होकर के वो लगभग 60 के अप्रॉक्स पहुँच जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इस कॉलेज में एक डिसएडवांटेज होता है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लाना है तो टॉप रैंक लानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टॉप रैंक लाना ही होगा तो ही आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, फिर चाहे वो नाइसर हो फिर चाहे भुवनेश्वर हो। इन दोनों कॉलेज का एक एडवांटेज, यहाँ पे आपको पर मंथ 5,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलता है, यानी एनुअल आपका 60,000 आपका स्कॉलरशिप मिल जाता है, दिस इज़ नोन एज दिशा स्कॉलरशिप, एंड और 20,000 आपको समर इंटर्नशिप के लिए मिलता है, टोटल 80,000 आपको पर ईयर मिलता है अगर आप यहाँ पे जाओगे तो। यहाँ पे आप पूरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, इसके रिलेटेड मैंने इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पूरे क्लियरली बता दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिन लोगों ने वॉच नहीं किया है वो जा करके वीडियो ज़रूर वॉच करें। एंड अगर मैं आपको
इम्पॉर्टेंट डेट्स बताऊँ, रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा, इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं बता देता हूँ। ये रही इम्पॉर्टेंट डेट्स आपकी, 17 मई को लाइक आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 17 तारीख को। तो बहुत टाइम है अभी आपके पास, आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसका ये सारी डेट्स आप पढ़ सकते हैं किस दिन क्या होने वाला है। तो मिलता हूँ आगे की वीडियोस में, कोई डाउट आ रहा है इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ, मैं पूरा शॉर्ट आउट करूँगा। और कल एक वीडियो आ रही होगी, पूरा स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा कि नाइसर में कैसे किस तरह से क्या क्या करिकुलम है, कैसे आपको कब आपको मेजर अलॉट होता है एंड कैसी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। तो मिलता हूँ आगे की वीडियोज़ में, तब तक स्टे सेफ एंड बाय बाय।